हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो आपके हाथ और पैरों को एकदम गोरा, चमकदार, सुंदर बना देगा। साथ ही आपके हाथ और पैरों पर जितना भी मैल और धूल मिट्टी है उसको साफ कर देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या है वो नुस्खा। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाली कटोरी लेनी है, और इस खाली कटोरी में दोस्तों आपको लेना है वो है सिंपल वाला कोलगेट का पेस्ट। हम इसमें इतनी सी मात्रा में सिंपल वाला कोलगेट का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही दोस्तों हम इसमें अगली चीज ऐड करेंगे, वो है नींबू का रस। दोस्तों इस तरीके से हम एक नींबू को इस तरीके से दो हिस्से में काट लेंगे, और आधा कटा हुआ नींबू का रस हम इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। फिर इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू लेंगे और इसको काट कर इसको पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। इस पेस्ट से हमारे हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा गोरे, चमकदार और सुंदर दिखने लगेंगे। साथ ही हमारे हाथ और पैरों पर जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी हो जाती है इस पेस्ट के जरिए वो बाहर निकल के हमारे हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा गोरे, चमकदार और सॉफ्ट दिखने लगेंगे। इस पेस्ट को जो लगाने का तरीका है वो दोस्तों ये है। आप इस तरीके से अपनी उंगलियों पर लेकर इस तरीके से अपने हाथ और पैरों पर इसे लगा लें। इस तरीके से आपको लगाकर कम से कम 15 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही लगा हुए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपको इसे सादा पानी से धोकर साफ कर देना है। इस नुस्खे को आप हफ्ते में 2 बार करें। 2 बार के इस्तेमाल से आपके हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा गोरे, चमकदार और सुंदर दिखने लगेंगे। साथ ही आपके हाथ और पैरों पर जितनी भी गंदगी है वो सब हट जाएगी और आपके हाथ पैर मुलायम दिखने लगेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाती हूँ कोई अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।